हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11 का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के पर्सनालिटी 6.2 के ऑल क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में उसके बाद के जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है उसके टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए कि अगला आपका टॉपिक्स क्या है। अगला टॉपिक्स देखिए, ये आपका दो चर वाले राशियों की असंख्या निकाय का हल। अभी तक हम लोगों को एक समीकरण दिया था, उस स्थिति में उसका लेख हम लोग खींचे थे असंख्या समीकरण का। अब इस प्रश्नावली में जो आपका टॉपिक्स है वो क्या है, दो चर वाले राशियों की असंख्या निकाय का हल कैसे करेंगे। तो इसके जो नियम होते हैं, पहला क्या करेंगे, देखिए नियम इस प्रकार के असंख्या समीकरण को हल करने के नियम होते हैं। पहला असंख्या समीकरण का रैखिक समीकरण लिखेंगे, यानी जो असंख्या समीकरण दिया हुआ उसका रैखिक समीकरण लिखेंगे। लिखने के बाद उस समीकरण की सहायता से उस बिंदु को ज्ञात करेंगे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कराए, यानी बिंदु को ज्ञात करेंगे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कराए। उन बिंदु की सहायता से उस स्थान को प्राप्त करते हैं जो दी गई रेखा से घिरा हो, घिरे हुए भाग को हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद तीसरा नियम है, जब यक्ष का मान 0 से बड़ा उसके बराबर हो तो वाई अक्ष के दाई तरफ स्थान होगा जो स्थान गिरेगा वह, और जब आपका वाई इज ग्रेटर देन 0 तब वह यक्ष अक्ष के ऊपर की ओर होगा। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम ये जो आपका प्रश्नावली 6.3 है उस 6.3 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से होंगे। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे, कोई जैसे एग्जांपल में आपका दे रहा है फर्स्ट, ये आपका है सेकंड और थर्ड। अगर इतना बढ़िया से आप समझ जा रहे हैं तो प्रश्नावली 6.3 आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि 5x+4y = कितना 40, और x > 2y > 3 को आलेखीय रूप से हल कीजिए। इसको क्या करना है, आलेखीय रूप से हल करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर दिया है 5x + आपका 4y = आपका 40, उसके बाद यह एक्स = आपका 2 और वाई = 3। ये आपका असंख्या समीकरण है, असंख्या समीकरण क्या हो गया, असंख्या समीकरण लिखेंगे। पहला असंख्या समीकरण क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण। यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में आप इसी को लिखेंगे क्या, 5x + 4y = 40, उसके बाद x = 2y = 3। और एक आपका समीकरण दिया है, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण में यक्स का मान एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। जब यक्स का मान 0 रखेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ पर वाई का मान कितना आएगा। जब इसी समीकरण में रखा जाएगा एक्स कमान 0 तो वाई कमान हो जाएगा 4y = 40, यानी y = 10 हो जाएगा।
अब वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे, जब इसमें वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपका यक्स समान 8 हो जाएगा। देखिए कहाँ उस समीकरण की सहायता से बिंदु को ज्ञात करना, यही बिंदु हो गए, इसी बिंदु को ज्ञात कर रहा है। अब इस बिंदु को क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। तो ये आपका होगा एट तक दिया है, तो यहाँ पर मान लग रहा है मान टू, टू आपका फोर, उसके बाद सिक्स, उसके बाद एट, उसके बाद 10, दोनों का अंतराल ले रहे हैं। इसके बाद टू, ये आपका फोर, सिक्स, एट और 10, उसी तरह ये प्लस में हुआ, एक्स अक्ष हुआ, वाई अक्ष हुआ, अब ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस एट, माइनस 10, यहाँ पर माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स, माइनस एट, माइनस 10। और दिखाया है आप यक्स का मान 0, वाई का मान 10, यक्स का मान 0 तो वाई का मान 10, ये बिंदु मिलेगा। उसके बाद यक्स का मान 8 है तो वाई का मान 0 यहाँ मिलेगा। इस और इस बिंदु से होती हुई रेखा खींचेंगे, यानी यह आपका जो समीकरण आपका 5x प्लस 4y इक्वल टू 14 का लाइन है। अब ए दिया यक्स इक्वल टू कितना, 2, तो यक्स इक्वल टू 2 है, तो यक्स इक्वल टू 2 यह हो जाएगा। ठीक, अब वाई इक्वल टू 3 है, तो वाई इक्वल टू 3, 2 और 1 हो जाएगा, इसके पैरेलल खींच देंगे। ठीक है, तो ए आपका एक ग्राफ मिला हमारा। अब देख रहे हैं कि वह स्थान ज्ञात करना है, इन बिंदुओं की सहायता से वह स्थान ज्ञात करना है जो रेखा द्वारा घिरी हुई है। तब देखिए यहाँ पर आपका कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इस कंडीशन में वाई अक्ष के दाईं ओर, वाई अक्ष के दाईं ओर होगा, और आपका वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक्स अक्ष के आपका ऊपर की ओर होगा। तो देखिए जो तीन रेखाओं से घिरा हुआ स्थान है वह यही है, तीनों इस रेखा और इस रेखा और इस रेखा से जो घिरा हुआ भाग है वो आपका यही हो जाएगा। तो यही आपका असंका जो समीकरण है, उस असंका समीकरण को जो स्थान घिरा हुआ भाग ज्ञात करना है वह आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अब हल ज्ञात करना हो तो देखिए इसको इसको अगर देखेंगे, इस रेखा और इस रेखा को देखेंगे, इससे लंब डाले हैं, लंब पड़ा हुआ है, तो यह जो मान होगा वह इसको लंब डालेंगे वह, तो इस देखिए इस रेखा और इस रेखा का यह हल हो जाएगा, यह और यह। अगर इसका देखेंगे तो यह और इसका देखेंगे, इससे इस पर लंब डाल दीजिए, ये लंब पड़ा ही है, ये इस पर आएगा, जो लंब होगा वह जो मान आएगा वाई अक्ष पर वह मान वाई का हो जाएगा, और यह जो आपका यक्स यक्स का हो जाएगा। जब इस समीकरण इस रेखा और इस रेखा को लेंगे तब, इसके बाद देखिए इस रेखा और इस रेखा को लेंगे, दोनों एक दूसरे का डाका इस दिन पर इसे लंब डाले और यह जान डाले थे, 3 है और यह 2 दिया ही है। तो हल अगर ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात करते हैं, स्थान ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे। अब आइए देखिए 2x प्लस वाई इजले जाने पर टू आपका 24, 2x प्लस वाई इजले जाने पर टू 32, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आलेखीय विशेष को हल करना है। तो पहला काम असंका समीकरण लिखेंगे,
ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। देखिए असंकल समीकरण आपका है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 और यहाँ दिया है एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण लिखेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इसका आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24। ये समीकरण एक मानेंगे और 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 टू मानेंगे, एक्स इक्वल टू 0 3 मानेंगे, वाई इक्वल टू 0 4 मानेंगे। अब क्या करेंगे, 1 और 3 से देखेंगे समीकरण 1 व 3 से। देखिए एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। एक आपका बिंदु मिल गया और समीकरण 1 व 4 से देखिएगा वाई इक्वल टू, यहाँ पर अगर 0 कर रहा हूँ वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 24 हो जाएगा। यह होगा। अब क्या करेंगे 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से 1 और 4 लेंगे, सॉरी 2 और 4 से, तो 2 4 से लेंगे तो 2 3 की है 2 और 3 से, तो ये आपका एक्स का मान 0 तो वाई का मान 32 हो जाएगा। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 32 हो जाएगा। और समीकरण 2 व 4 से यानी वाई का मान, देखिए वाई का मान अगर इसे 0 रखा है तो एक्स का मान, वाई का मान 0 तो एक्स का मान कितना जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही वह बिंदु हुए, देखिए यही वह बिंदु हुए, इसी बिंदु को शंका रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट आपका 32 है तो कितना का बनाएं, 4 4 का बना गया तो 4 4 8 4 3 12 16 16 20 24 28 32 लास्ट आपका 32 है। उसके बाद ये आपका 4 8 12 16 उसके बाद 20 24 28 ये 32 यह हो गया। इसी तरह ये आपका माइनस वाला भी कर लेंगे, माइनस 4 से लेकर क्या करेंगे माइनस 32 तक, यह माइनस वाला करेंगे माइनस 4 से लेकर माइनस 32 तक। अब देखिए एक्स का मान 0 तो वाई का मान 24, तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 24 यह हो गया बिंदु, और एक्स का मान 24 तो वाई का मान 0 इसको मिला लीजिए। ठीक ये मिल गया। यह जो आपका कौन सा रेखा होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 इसका हो गया। अब ये देखिए एक्स का मान 0 तो वाई का मान 32, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 32 यह बिंदु मिला, और एक्स का मान 16 तो वाई का मान 0 यह बिंदु मिला। इसको क्या करें,
यह हो गया है, यानी यह जो आपका रेखा है वह किसका है, 2x + y इक्वल टू 32। अब यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है ऊपर x के ऊपर और ये दाईं तरफ यही भाग होगा, ये स्थान हो गया। अब हल ज्ञात करना हो इस समीकरण का हल, तो क्या करें, दोनों रेखाएं दूसरे को काट रहा है ना, तो क्या करें, इससे इस पर लंब डाल दें और इस बिंदु से इस पर लंब डाल दें, यह जो मान होगा वह यक्ष का मान होगा और यह जो मान होगा ये वाई का मान जाएगा, यह लंब डाले वह वाई और यह जो मान आएगा वह यक्ष का। तो इस प्रकार ये आपका जो दिया गया है आलेखी भी से ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। अब देखिए 3x + y = कितना है 4x - y = 2 x > 0 y > 0 इसको भी आलेखी भी से हल करना है, किससे करना है आलेखी भी से, तो वही काम करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देखिएगा x + y = 4 x - y = 2 x > 0 y > 0 इसका रैखिक समीकरण लिखेंगे, रैखिक संकलन क्या आ जाएगा, x + y = 4 x - y = 2 x = 0 y = 0 1, 2, 3, 4 एक और 3 से लेंगे, जब x का मान 0 होगा तो y का मान कितना जाएगा 4, 1 और 4 से लेंगे तो y का मान 0 होगा तो x का मान आपका 4 हो जाएगा। अब 2 और 3 से लेंगे, 2 और 3 से x का मान 0 तो y का मान -2 होगा। अब 2 व किसे लेंगे 4 से, यानी y का मान 0 है, y का मान 0 तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ग्राफ बनाएंगे, संख्या रेखा किसको दर्शाएंगे, ग्राफ में आपका 4 तक ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 तक कर दिए, 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 1 - 2 - 3 - 4 -5। अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 4, यह हो गया x का मान 4 y का मान 0, इससे और इससे होती रेखा खींचेंगे,
ए आपका रेखा आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। अब आइए एक्स का मान 0 हो तो वाई का मान -2, यह हो गया। एक्स का मान 2 हो तो वाई का मान आपका यह हो जाएगा। अब इससे इसे होती रेखा खींचेंगे। और देखिए यह आपका किसका एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 2। ये जो रेखा एक्स माइनस वाई इक्वल टू है, यह रेखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कंडीशन एक्स ग्रेटर है इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर है इक्वल टू 0, दाएँ और बाएँ यह स्थान हो जाएगा। अब इसका हल तो क्या करें, यहाँ से इस पर लंब डाल दें, ठीक, और यहाँ से इस पर लंब डाल दें, यहाँ से इस पर लंब डालना है। यह आपका यक्स का मान हो जाएगा 3 और वाई का मान हो जाएगा 1। देखिए तो ये जो आपका असंगत समीकरण है उसका स्थान हम दिखा दिए। स्थान दिखाने के बाद इस समीकरण का हल क्या होगा, एक्स बराबर 3 होगा, वाई बराबर 1। और देखिए आंसर सही अथवा गलत यहाँ मान रख दीजिए, एक्स का मान 3, वाई का मान 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। सही है, एक्स का मान 3, वाई का मान 1, तो 3 में से 1 जाए 2। सही है, तो ये जो भी आपके इस प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।